बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपके लिए एक इंतहाई अहम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। ये टैबलेट है फ्लैजल, इसके बारे में आपको बहुत हैरान कन इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें तो और अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, फ्लैजल 400 mg का फार्मूला होता है मेट्रोनिडाजोल। ये बहुत मल्टीपर्पज़ टैबलेट है और आम इस्तेमाल होती है। अक्सर लोगों ने इसके कलर से पहचान लेते हैं कि ये फ्लैजल है। नॉर्मली लोग इसको यूज़ करते हैं कि अगर पेट ख़राब हो गया, पेचिस वगैरह लगे हैं, तो फ्लैजल टैबलेट जो है ना, वो सुबह दोपहर शाम खाने से पेचिस ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ एक मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि इसके कई मकासद हैं। जो एक और ज़बरदस्त जो फ़ायदा है इसका, अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, दांतों में दर्द है, जाड़ें आपके दर्द करती हैं, हिलती हैं, तो आप फ्लैजल जो है ना, वो सुबह शाम 7 दिन तक इस्तेमाल करें तो आपके दांतों के जुमला अमराज काफ़ी हद तक, बल्कि 100% ठीक हो जाएंगे। इंतहाई मौसर है। इस तरह ऐसे अफराद जिनके मैदे की नाली में जलन होती है, तजाबियत बढ़ जाती है, मैदा ठीक नहीं रहता, तो उनके लिए भी ये फ्लैजल जो है वो रिकमेंड की जाती है कि अगर वो 7 दिन तक फ्लैजल का इस्तेमाल कर रहे हैं सुबह शाम, तो मैदे के मसाइल ठीक हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। इसी तरह ये फ्लैजल टैबलेट जो है ना, अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो गया है, कान स्वेल्ड हो चुका है, तो उसके लिए भी आप लोग फ्लैजल ही यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला जो मेट्रोनिडाजोल है, और भी मुख्तलिफ नामों से ये अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपने फार्मूले से पहचानना है कि इसके अंदर जो है ना मेट्रोनिडाजोल होता है, उससे आपका जो है ना, ये आपको पता चलता है कि ये फ्लैजल ही है। तो इसके अलावा जो फ्लैजल है ना, ये ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा मौसर है। अगर उनको लकोरिया की शिकायत है, ठीक है जी, माहवारी में गड़बड़ है, तो फ्लैजल इस्तेमाल करें 7 दिन तक, तो उनके ये मसाइल भी ठीक हो जाते हैं, लकोरिया वगैरह ठीक हो जाता है। इसके अलावा अंतड़ियों की इन्फेक्शन के लिए इंतहाई मौसर हैं। अब फ्लैजल का इस्तेमाल जो है ना, वो कौन नहीं कर सकता? फ्लैजल का इस्तेमाल नॉर्मली सभी लोग कर सकते हैं। इसकी मकदार को फॉलो करना है, अगर 10 साल से छोटे हैं तो फिर 200 mg की टैबलेट दें, अगर 10 साल से ज़्यादा उम्र है तो फिर 400 mg की टैबलेट जो है ना, वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? इसका साइड इफ़ेक्ट यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप एक्सेस क्वान्टिटी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, कोई घबराहट हो जाए, या फिर वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। वरना इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। शौक से नहीं ये खाई जाती, बल्कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दांतों की, जाड़ों की, मैदे में मसला है, तो फिर आप फ्लैजल का इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फिर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।